खबर पटना से है, जहां होली के त्योहार के दौरान जहरीली शराब पीने से बिहार में 19 लोगों की मौत के मामले में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। वहीं सीएम के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कितने भोले और अनजान हैं, अभी तक जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले जहरीली शराब पीने की वजह से प्रदेश में 19 मौतें हो गई थी, लेकिन सीएम अभी भी जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। ये कितना अजीब है ना। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल्पना करिए, सीएम की नजर में बिहार के आम नागरिकों के जीवन की क्या कीमत है? क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, संयोग ही ऐसा था कि एक ही दिन सभी की बीमारियों से मौत हो गई, जबकि अब तक सीएम नीतीश पता ही कर रहे हैं। दरअसल बिहार में होली के दौरान जहरीली शराब से अब तक 19 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। शराब को लेकर लगातार दावे कर रही नीतीश सरकार और पूरा प्रशासनिक तंत्र इन मौतों को नकारने में लगा है। जहरीली शराब से सिर्फ नवादा में अब तक 15 मौत होने की खबर है, वहीं सासाराम में 4 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत होने की खबर है।